तुम्हारी शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे, देखना। अंकल, आंटी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं यहाँ शादी देखने नहीं आई, मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ। मेहमानों की खातिरदारी करूंगी, सब काम करूंगी, आप जो कहेंगे फट से करूंगी। अरे ये लड़की तो बहुत होशियार है। ये लड़की तो बहुत ही होशियार है। चुप करो। अपने मुँह से कहती हूँ तो तसल्ली रहती है। गरम गरम कॉफी लाओ, लाओ। तेरे लिए छोटा गिलास, आपके लिए बड़ा गिलास। ठीक है, खुशबू तो बहुत बढ़िया है। सुन के पीते हो? इस ग्लास में? अरे तुम्हारे चाचा को स्टील के ग्लास में कॉफी दे रहे हो, इसमें क्या समस्या है? आप बैठिए। स्टील ग्लास में देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे कोई बात नहीं, आप बैठिए। स्टील ग्लास में कभी किसी मेहमान को कॉफी देते हैं क्या? सीताराम बैठ जाओ। चाचा जी को चांदी के ग्लास में कॉफी दो, इसमें दोगे? चांदी के? ये बात है, इनका खातिरदारी हो रही है। अबे आराम से पीना, ग्लास के अंदर घुसेगा। शादी में जो मिले उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में मिले ना मिले क्या पता। ओहो, यूएसए से लाया? आगे का प्रोग्राम क्या है? ए, मैं वैसे भी दुल्हन की फोटो लेकर नहीं आ पाया, तू लेकर आ जाना। तुम्हें दुल्हन की फोटो चाहिए? बस इतना ही ना, जल्दी ला। अभी लेकर आता हूँ। क्यों दुल्हन, शादी के लिए ये साड़ी अच्छी है ना? शादी के लिए तो अच्छी है, पर ऐसी साड़ी पहनने नहीं आती। फैशन डिजाइनर जब यहाँ है तो क्यों करते हो वरी? इसे नए तरीके से कैसे पहनना है मैं दिखाती हूँ। Good shot. मेरे भैया ने दुल्हन की फोटो लाने के लिए कहा था। I got it. मैं ही हूँ। चलो PW फोटो खींचो। PW क्या है? फोटो वाला। तो आइए ना DL. DL मतलब? दुल्हन। दुल्हन दुल्हन। आइए आइए। रुको रुको रुको। इन फूलों के साथ मैं टक टक पोज देती हूँ, तुम टक टक फोटो खींचो। थोड़ा नीचे नीचे। अच्छा है। मेरी चोटी की भी लो। थोड़ा थोड़ा नजदीक जाकर। हाँ ये पकड़ो। जल्दी से कोई तला के दो। बालक जाके नारियल ले आ, गुलाब के फूल फेंक, तू अभी फोटो मत लेना। अरे बहुत भारी है भाई। अरे देख कमार। थैंक यू तरुण। ये कैसा शोर है? सुन रही चाची, ये हमारे फोटो वाला है, जल्दी से हमारी चाची की कमाल की फोटो लो। अरे क्या जरूरत है मेरी फोटो की? क्या सुन रही चाची, कल अगर आप टपक गई तो हार के लिए अच्छी फोटो तो चाहिए। बकवास बंद कर, मुझे क्यों मारना चाहती है? वैसे बेटी दुल्हन की फोटो लेने के बजाय इसकी क्यों ले रहा है? ये पपीता मामूली पपीता नहीं है भांजे। इस पपीते की खिचड़ी बनाकर रख दूंगा मामा। ए लड़की, पैसे निकाल। कैसे पैसे? कैसे पैसे? हाथी के बच्चे की तरह फू करके पानी निकाल रही थी, उसका फोटो खिंचाना मैंने। वही फोटो, उसके पैसे मांग रहा हूँ। फोटो अच्छे आए क्या? वो सब तो बाद में, पहले पैसे निकाल। वो बात ये है ना कि मैंने अपने पापा को ना रिजर्व बैंक भेजा है, जैसे ही वो पैसा लाएंगे तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? अरे ओ सुधी चाची, पैसे। हाँ, ये फोटोज देखिए ना, कितनी बढ़िया फोटो आई है, देखिए। वाह 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 वाह, इसके आगे तो जीवन की फील है। मेरे फोटो मुझे दो ना प्लीज 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 प्लीज। आके ले नहीं सकती क्या? आके ले लो। सीढ़ी है ना, तुम चढ़ के आ जाओ। तुम्हें चाहिए ना तो तुम आओ ना। तुझे दिखाती हूँ, रुक। ये वाला देख जरा, अच्छी है ना? अरे बाप रे, ऐसा मार क्यों रही हो? फोटो फेंको, मैं पकड़ लूंगी। कैच। बहुत दूर है, आ जाओ। सीढ़ी निकाल लेते हैं। अब क्या करोगी? अरे सीढ़ी कहाँ लेके जा रही हो? रुको रुको।
अरे सीढ़ी वीडी की जरूरत क्या है, तुम कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा। हाँ पकड़ लूंगा, जानती हूँ तेरा आइडिया, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, यही बैठूंगी, देखते रहना। ठीक है बैठो। ए सांप सांप सांप, कूदो कूदो। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। My God, ऐसा सीन मैंने इस गांव में आज तक नहीं देखा। स्कूल के बच्चे With love, Vashishth। वो बंदरिया कहाँ है? वो बंदरिया वहाँ सबके साथ बैठी है। तो चलिए उसे लव लेटर देना। मेरा भविष्य बताओ तो मैं पैसा दूंगी। यहाँ क्या चल रहा है? बताती हूँ। तेरे हाथ में जो लिखा है ना? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मेरा हाथ देखकर बताओ क्या लिखा है। ए बंदरिया, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलो। तुम रुको, बीच में डिस्टर्ब क्यों किया? वहाँ मैं सीरियसली भविष्य सुन रही थी ना। मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कहाँ से शुरू करूँ? इम्पोर्टेंट बात मुझे? हाँ बोलो। वो मैं कैसे शुरू करूँ? तुम सोचते रहो, मैं भविष्य जानकर आती हूँ। क्या है? कह रहा हूँ ना, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात बतानी है। तुम्हारे लिए होगी ये बात इम्पोर्टेंट, मेरे लिए भविष्य इम्पोर्टेंट है। भविष्य सुनने में सब बकवास है, कुछ सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है तो इम्पोर्टेंट कैसे हुआ? वो हाथ की लकीर देखकर हमारा फ्यूचर बताती है, पता लगाना चाहिए। जिंदगी में लकीरें देखोगे तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। अगर फ्यूचर बनाना है तो खुद बनाना होगा, समझी? माथे पर किस्मत लिखी होती है, लकीर हाथों पर। ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। हेलो, अपनी स्पीड को थोड़ा कम करो, ठीक है? लकीरें हमारे हाथों में होती है, इसीलिए फ्यूचर भी हमारी मुट्ठी में होता है। तेरा फोन है? किसका फोन है? अर्जेंट अगर नहीं आई तो फोन कट कर देंगे। नहीं, रुको। देखो, तुम मानो या मत मानो, हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वही होती है फाइनल डेस्टिनी। हमारी कोशिश, विजन और विल पावर हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है, और उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ, और यही सच भी है। अच्छा ओके, तो तुम्हारे विल पावर का एक छोटा सा टेस्ट, तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देती हूँ। तुम्हारे विल पावर से मेरा पता लगाओ और अपनी इम्पोर्टेंट बात बताओ। विल पावर और डेस्टिनी, देखते हैं। तुम कुछ मानती हो और मैं भी कुछ मानता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है, फैसला मंजूर रहेगा। देखो पल्लवी से मेरा एड्रेस मत पूछना, नो चीटिंग। चैलेंज 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 चैलेंज। भांजे, इस कार्ड का तुम क्या करोगे, मुझे दोगे क्या? पहले ही पैसे उड़ चुके हैं, तुम्हें दूंगा तो और उड़ जाएंगे। वशिष्ठ, तुम यहाँ कैसे? यहाँ मैं मैच के लिए आया था, तुम यहाँ कैसे? मैं फैशन शो से आ रही हूँ। फैशन शो से? हाँ। क्या बात है, तुम्हारे पेरेंट्स काफी लिबरल हैं। किस लिए? फैशन शो के लिए अलाउ कर दो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी सब बता के करना होता है क्या? घर पे बोल दिया है शादी के लिए 10 दिन लगेंगे। इसका मतलब बॉयफ्रेंड के बारे में भी नहीं बताया होगा। What? हाँ। वो मेरा ट्रेनर है। ओके अरे अरे, जो कर रहा था, अरे मजाक। रुक वशिष्ठ, आज तो मार के रहूंगी तुझे। अरे मजाक कर रहा था यार। रुक, अभी बताती हूँ। जो भी कुछ मुंह में आएगा वो सब बोल दोगे क्या? अब तो मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो,
तुम शादी से अचानक गायब हो गई। तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हारे कॉलेज गया, तुम्हारे डांस क्लास में गया, तुम्हारे गिटार क्लास में गया, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। फाइनली यहाँ पर मिली हो तुम। क्या कहा, मेरे कॉलेज गए थे, हाँ मेरी डांस क्लास भी गए थे, और क्या, और म्यूजिक क्लास भी गए थे। हाँ हाँ, अब समझ आया तुम्हें डेस्टिनी किसे कहते हैं। जब तुमने मुझे ढूंढा तब मैं नहीं मिली, मैं तुम्हें कब मिलूंगी ये डेस्टिनी में लिखा था, इसलिए तुम्हें मिली। तुम और तुम्हारी डेस्टिनी को हाथ जोड़ता हूँ मैं। तुम्हारा नाम जाने बिना तुम्हें कैसे ढूंढ पाता मैं। नाम संध्या, मतलब असली वाला नाम है ना। ठीक है ठीक है, अब बताओ, उस दिन तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट बात कहनी थी। मूड नहीं है, फिर बताऊंगा। अरे बताओ ना। मूड नहीं है ना, नहीं बताऊंगा। बोलो। अब बता दूं क्या? तुमने तो कहा था मूड नहीं है। मूड तो बन जाता है। तो फिर बोलो। आई लव यू। कहां से हुआ बोलो? दिल से हुआ। मुझे पता है कब से हुआ। मैं जब साड़ी बदल रही थी तब तुम वहां फोटो खींचने आए थे, तब से हुआ। लव एट फर्स्ट साइट मतलब, हाँ? और नहीं तो क्या, कोई भी लड़की किसी अनजान को गोद में उठाने को कहेगी क्या? तुम मेरे हो ये मैंने फिक्स कर लिया था, इसलिए मैंने उठाने को कहा। जब पेड़ के ऊपर से मैं गिरी थी तब फर्स्ट टाइम अनजाने में ही गिरी थी, पर दूसरी बार और तीसरी बार जानबूझ के गिरी थी। तो उस दिन मेरी खाई हुई आइसक्रीम तुमने जानबूझ कर खाई? वो सब बताऊं क्या? बताओ। बताऊं? बताओ ना। फेंकी नहीं थी, ओढ़नी में छुपा के तुम्हारी झूठी आइसक्रीम प्यार से खाई थी।